खाना साकेत जी की तरफ से हो गया। बड़ी लड़ाइयाँ हुई है बिल पे, फाइनली हम हार गए, साकेत जी जीत गए। हमें बिल नहीं देने दिया और हम लोगों ने बहुत अमेजिंग खाना, उस दिन भी रात को आए थे, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिला था और आज भी दोबारा यहीं पे खा के हम जा रहे हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, साकेत जी तो पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाया जाए, क्या क्या करें, और बहुत मज़ेदार कुछ कुछ कहानियाँ बता रहे हैं। अब बताएंगे नहीं किस बारे में, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हंसे हम लोग। मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा खाने का निकल गया, ब्लॉगिंग करना भूल गए, इतना ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अब हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं, अब मिलती हूँ थोड़ी देर। तो यहाँ से ताल शुरू हो गया है, ये रहा ताल, तोरा के ताल दिखाई। हमरा के बोटिंग करने के लिए महिला कि नहीं, धूप हो रही है ना, लेकिन देखा कितना खूबसूरत बना दिया गोरखपुर के ताल। देखा झील, देखा एकदम दुबई बुझाता। हाँ। दुबई खान, दुबई से कम नहीं खे, दुबई खान पानी बा, एकदम नीला नीला हरियर हरियर। हाँ, दुबई की झील, एकरा के झील, ई बेटर बा, ई बेटर, ई झील बेटर बा भाई। एकरा में डूब सकल, दुबई की झील में तो डूब भी ना सके, नकली बा ना, ई असल बा, इधर डूब जाए। लेकिन हम लोग बहुत गलत टाइम पे आ गए, बहुत पूरी बोला। लेकिन हमने लोगों के आवे के चाहत रहे, चाहे सांची के, चाहे सवेरे सवेरे भोरे में। भोरे में तो शौच किया जाए, भोरे में मौसम तनी बढ़िया रही ना, लोगन शौच भी तो करेला। यहाँ केहू शौच नहीं करेला, तू ही करेलू खाली। हम ओकरा गाँव गए ना उस दिन, ओकरा के शौच नहीं भाई, हम खुले में जाओ। क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, हमको आमना के शौच के लिए नहीं, मतलब शौच का ढक्कन बंद किया, कहते खुले में जावा, क्या करे जाए, खुले में शौच करे जाए, फसल का काटा चुभी। तुम अगर वो मूवमेंट रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हो ना, भोजपुरी वर्सेस पंजाबी ब्लॉग का, हाँ, वो नहीं होगा। हमरा के हम वो ऐतिहासिक मूवमेंट है, हमरा के हमारे तोरे हीरोइन खातिर हमरा के पीस दी। हाँ, हमारे भोजपुरी और पंजाबी चैलेंज देखे के ना, देखे के ना, नहीं देखे है तो वो वाला ब्लॉग जाकर देखे, भोजपुरी वर्सेस पंजाबी चैलेंज, तो आपको मालूम पड़े कि हमरा के भोजपुरी बहुत अच्छी आवेला, हमरा के भोजपुरी बहुत बढ़िया बोले के आवेला। इकर बनमानुस पंजाबी ना बोलेला, बनमानुस कहीं का। बहुत ही शानदार झील है, बहुत ही शानदार। मतलब हमारी फ्लाइट का टाइम है, वरना हम लोग जरूर यहाँ पे बोटिंग करते। और ये देखो आगे पूरा जो है ना खाने पीने का माहौल बना रखा है, चाट भंडार, तंदूरी चाय, तंदूरी चाय, चाट भंडार, फलाना ढिमकाना, मतलब पूरा एकदम जुहू चौपाटी वाला फील बनाया हुआ है। नहीं नहीं, जुहू चौपाटी नहीं, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग फील बा, बहुत ही बढ़िया। मेरे को अभी ये लग रहा है कि हम पहले दिन क्यों नहीं आए यहाँ पे, यहाँ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए था। शाम को ये जगह एकदम जन्नत लगती होगी, आई एम श्योर। बहुत प्यारी झील है और बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैं चाह रही थी कि इधर मतलब वो किया जाए, क्या कहते हैं उसको, बोटिंग की जाए, लेकिन हाँ, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है नहीं। चलिए अगली बार क्रूज वाला भी हो जाएगा ना, साकेत जी बता रहे हैं अगली बार क्रूज आने वाला, डिनर कर सकते हैं क्रूज। चलिए वो करेंगे। इधर मटका लस्सी, मटका रसगुल्ला, मटका दही वड़ा और मटका रबड़ी, मटका मैगी भी है, मटका मैगी है, मटका ही मटका है, हमारा भी मटका, ओकरा भी मटका। ने बताया कि मैम आई में मतलब बहुत अच्छा। बंगाली हो? नहीं, बिहारी। बिहार अच्छा से ऐसा भाषा में लगा, जी 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 जी, हाँ अच्छा लगा। उठा लोगी, मैं उठाऊं? रहने दो, कमर चटक जाएगी, ध्यान से। तो जी दोस्तों, हम लोग निकल गए मुंबई एयरपोर्ट से घर के लिए। काफी लंबी फ्लाइट थी, 2.5 घंटे की। अब 2.5 घंटे लंबा लगने लगा है, क्योंकि भोपाल 1 घंटे है ना, इसलिए मुझे 2.5 घंटे की फ्लाइट लंबी बहुत लंबी फ्लाइट थी भाई। घर पहुंच रहे हैं, बच्चों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे में, लेकिन बच्चे शायद अंदर वाले कमरे में अमिता के साथ टीवी देख रहे हैं बैठ के, लग रहा है। तो घर पहुँचेंगे, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ये तो मतलब जैसे ही फ्लाइट, मतलब गोरखपुर से स्टार्ट हो गया था मेरा चुनचा, पापा का बेटा चुनचा, तब से गाना गा रहे हैं। मतलब हम लोगों ने ना मिस बहुत किया, लेकिन इतना ज्यादा बिजी रहे हैं ना, और हम लोगों ने जानबूझ के इस बार ना चुनचा को, कैंडी को हम लोगों ने ना देखा ही नहीं कैमरे में। हमने कहा जितना देखेंगे ना तो हमारा ना दिल और वो मचलता है, तो हमने कहा इस बार देखते नहीं है इनको कैमरे पे। अब देखने की कोशिश कर रहे हैं, समय तो कोई भी नहीं दिख रहा है, और वेट कर रहे हैं बच्चों से मिलने का जी, ऐसा हो रहा है। पहुँच जाए, वो छोटी सी बच्ची कैसे उसने चाटना है ना, अभी अभी देखो क्या हंगामा होता है। लिफ्ट के अंदर है और बच्चे तो मिलने वाले हैं। भी मेरी चुन्नी उन्नी सब फाड़ देंगे। एक सेकंड, आ गई। हाँ उसको पता है। चुनचा कैंडी अभी उनको सेटल होने दो। कैसे रोई है? सेटल होने दो अभी, तब ले जाओ। बच्ची तो कैसे रोई है? इधर क्या हुआ तुमको? पापा का बेटा अरे मेरे बच्ची कैसा रोया? बेबी ऐसे कैसे रोई है? चल मामा नीचे जाएंगे घूमने करके आएंगे। चलो सब चलेंगे। मैं भी इनको लेके जा रही हूँ नीचे। चलो घूमने जाएंगे नीचे। चलो बॉलू ले लो। बेबी ये कैसे रोई है? तो जी मैं इनको जरा नीचे लेके जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ, फिर आपको दोबारा मिलती हूँ। ठीक हो गई अब रहने दो। चुनचा बाहर सोएगा। पापा का बेटा बाहर करके बंद कर दे दरवाजा। नहीं पापा का बेटा आजा जल्दी आजा। पापा का मिलाओ उसको यार। इसने आज हद कर दी। इतना दुख हुआ है ना मुझे आज चुनचा को देख के कि यार वो कितना ज्यादा मिस करती है। मतलब बाकी बड़ी हो गई है ना चेरी और कैंडी, तो वो उतना ही व्यक्त करती है जितना करना चाहिए, लेकिन चुनचा जस्ट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब आज जैसा तो इसने बेबी कभी नहीं किया यार। मैं ना एक वक्त के बाद घबरा गई। मैं उठ के मैं इनको लेके नीचे गई हूँ कि मतलब मैं ना मेरा दिल बहुत वो अंदर से रो रहा था। फाइनली मेरी चुनचा मिले, कैंडी मिले, चाय बहुत पारी कर दी है, सब लोगों को खिला के ले आई हूँ। और अब हम लोग चले सोने। ये जो सीरीज थी स्पेशली गोरखपुर की इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वी लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। चाहे वो गांव जाना हो, चाहे वहाँ के लोगों से मिलना हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों से मिलना हो, सबसे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। देखो पैसा तो सबके पास होता है और ये ज्ञान वाली बातें नहीं है, लेकिन देखो पैसा जरूरी भी है, पैसा होना भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज होती है प्यार। वो ना जेन्युइन प्यार जो है वो शहरों में बहुत कम मिलता है। गाँव में पैसा ना हो लेकिन प्यार कूट कूट के भरा हुआ है। और ये मैं इस बार वहाँ पे देख के आई हूँ, सीख के आई हूँ कि कुछ और लाइफ में हो ना हो लेकिन प्यार जरूर होना चाहिए। और वो चीजों ने ना इस बार मुझे बहुत गहरा इम्पैक्ट किया है गांव के लोगों ने। एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ दिस ब्लॉग सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर मी। मेरे लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस रहा है। बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं कुछ दिन अब वहां जाकर बिता के आऊँ। अभी हमें जल्दी आना पड़ा बिकॉज ऑफ अविनाश, उसके अभी शूट्स वगैरह है तो इस वजह से वापस आना पड़ा, लेकिन प्लान करेंगे जल्दी ताकि वहाँ पे थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम वहाँ पे बिता सके। एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस व्लॉग। और आप ही बताइए कि ये गोरखपुर व्लॉग सीरीज हमारी कैसी लगी आपको। मम्मी पापा का तो हंगामा रहा ही है व्लॉग में, वो तो आते हैं तो वो तो चार चांद लगा ही देते हैं, बट जितना भी हो सकेगा आप आगे की व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे और आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने गाँव वाले भी हमें देख रहे हैं हमारे व्लॉग्स के थ्रू, आप सब लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत बहुत प्यार। बड़ों को गोड़ लगातानी बस। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।